उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला थाने में तीन तलाक से जुड़ा मामला एक बार फिर से सामने आया है। विवाहिता को तीन तलाक देने के बाद छत से फेंक दिया गया, जिसके बाद युवती को गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पूरा मामला मेरठ के गढ़ मुक्तेश्वर से जुड़ा हुआ है, जहां पर कई साल पहले नरगिस की शादी की गई थी। आरोप है कि नरगिस को उसके ससुराल वाले लगातार मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने बुझाने के बाद भी ससुराल वालों ने नरगिस को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया और 15 जनवरी को नरगिस के पति जान मोहम्मद ने नरगिस को खुलेआम सबके सामने तीन बार तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। इतना ही नहीं बल्कि तीन तलाक देने के बाद नरगिस को छत से फेंक दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में विवाहिता को मुजफ्फरनगर के खतौली के मायके भिजवा दिया गया। नरगिस के परिजनों ने मुजफ्फरनगर महिला थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने नरगिस को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां पर नरगिस की मां ने पूरा मामला मीडिया के सामने बयां किया और कार्रवाई की मांग की है। वहीं नरगिस का आरोप है कि उसके पति जान मोहम्मद ने 15 जनवरी को उससे अपने मायके से 3 लाख रुपए मांगने को कहा था, जिससे जान मोहम्मद कोई काम करना चाहता था। इसी बात को लेकर जान मोहम्मद ने नरगिस को मोहल्ले वालों के सामने तीन बार तलाक तलाक कहकर तलाक दे दिया। आपको बता दें कि नरगिस के जान मोहम्मद से 2 लड़के एक बेटी है और जान मोहम्मद ने दोनों लड़कों को अपने पास रख लिया और बेटी को नरगिस को दे दिया। अब नरगिस इंसाफ की मांग कर रही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की एक खास रिपोर्ट। नरगिस सर काम करने के लिए घर वालों से 3 लाख रुपए मांग रहा था। मेरा माँ बाप गरीब है, जब से मेरी शादी हुई उनके चक्कर में मेरा घर घूम गया। 5 साल से मुझे बहुत परेशान करते थे सर। मेरे पैसा ना मांगाने पर उसने मुझे हाथ पाई में ऊपर से धक्का दे दिया। मेरे पति ने, क्या नाम है, शान मोहम्मद, वो कहता था कि अपने घर से 3 लाख रुपए मांगा, मैं अपना कारोबार करूँगा। सर इसके चक्कर में 5 साल मेरी शादी हो गई, मेरा घर भी बिक गया। मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो किराए पे रहने लगे। सर मेरे पैसे ना मंगाने पर सर उसने मुझे मारा पीटा और मुझे छत से धक्का दे दिया। जी सर, उसने मुझे सबके सामने, महल्ले पड़ोस वाले थे, सबके सामने कहा कि मैंने इसे तलाक दे दी। 3 बार बोल दिया उसने कि मैंने इसे तलाक दे दी, अब मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। सब लोग साथ में आज मारपीटाई करी। किसने मारपीटाई करी? हमारे दामाद ने। क्या नाम है उनका? शान मोहम्मद जी। कहाँ पे रहते हैं? मैं रहते हैं वहाँ गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ पे पढ़ते हैं? मेरठ के पास पड़े जी। जी तो क्या हुआ आपकी लड़की साथ? तो उनकी साथ में मारपीटाई करी, 3 लाख रुपए की मांग करी और उसने तलाक भी दे दी। दफे तलाक दी महल वालों के सामने। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद ये हो गया, उसे मारपीट करके उसे ऊपर से डाल दिया। के चोट 2 पैरों में है, 2 नाथों में, सिर में है, रीढ़ की हड्डी में है। कल खतौली से एक नरगिस नाम की पीड़ित आई थी, तो उसके चोट वोट थी, तो उसको उसने एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन के आधार पर, चोट के आधार पर तुरंत उसको मैंने मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा था। अस्पताल में उसको मेडिकल तो कल हो गया, लेकिन उसको एक्सरे एडवाइस किया था, जिसको आज एक्सरे के लिए बुलाया गया है और एक्सरे की कार्रवाई कराई जा रही है। मैडम अभी तक जो एप्लीकेशन दी है कि ऐसा एप्लीकेशन पे कोई चीज़ अंकित नहीं है कि 3 तलाक का मामला है। लड़की की ससुराल हापुड़ में है, जो भी मारपीट की घटनाक्रम हुई है हापुड़ में हुई है। जो एप्लीकेशन उन्होंने थाने पर दिया उसमें तलाक का कोई जिक्र कहीं पर नहीं किया, बस केवल यह है दहेज की मांग को लेकर उसे मारा पीटा गया है, उसको छत से फेंका गया है। कोई मुकदमा दर्ज होगा, मेडिकल कार्रवाई पूरी कराने के साथ ही मुकदमा दर्ज वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के कराया जाएगा।